सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता भी रजत दलाल के साथ क्या सीन हुई पड़ी। बेसिकली रजत दलाल एक बच्चे को बुली करी थी जिसके कारण उनपे कंप्लेंट फाइल की गई थी। तो इसी मैटर को लेकर रैंडम सेना कल फिर से रजत दलाल को अरेस्ट करवाने के लिए हर्ष सांघवी जी जो कि गुजरात के होम मिनिस्टर है उनके ट्विटर हैंडल पर रेड कर दिए कहते हुए कि रजत दलाल को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। वो हमेशा लड़ाई करता और किसी न किसी बहाने या फिर अपने ऊपर टच होने के वजह से उसे अरेस्ट नहीं किया जाता, उसे छोड़ दिया जाता है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी टाइप के बहुत सारे कमेंट्स हर्ष सांघवी जी को ट्विटर पे कल रेड करवाई गई, बट अभी तक इस पे कुछ भी वैसा रिस्पॉन्स नहीं आई है। और यही पे कल रैंडम सेना ट्विटर स्पेस भी होस्ट करी थी जहाँ पर उन्होंने रजत दलाल को अरेस्ट कराने के लिए और क्या क्या प्लान करी थी, सो आप लोग खुद सुन लीजिए। कुछ भी अनाप शनाप मत लिखिएगा, गाली मत लिखिएगा। गलती, रुको, गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट टू रजत दलाल इन ट्रीटमेंट ना लिखो, लिखो कि अरे यार कस्टडी, एक सेकंड। नहीं नहीं एक ऐसा बेसिक सा मैसेज लिख दो कि रजत दलाल का जो मैटर है इज बीइंग इग्नोर्ड, इस पे प्रॉपर इंक्वायरी चाहिए या मतलब क्या। अरे नहीं इंक्वायरी नहीं भाई भाई, भाई अरे नहीं अभी भी है भाई, मैं कह रहा हूँ ये मुझे एमपी में चाहिए। बमन भाई, दो दिन में दो बार अरेस्ट हो चुका है वो, परसों अरेस्ट हुआ था, कल का छूटा, फिर आज फिर अरेस्ट हो गया, फिर उसने आज अरेस्ट हो गया, फिर छूट जाएगा, फिर अरेस्ट होगा, फिर छूट जाएगा। तू तो कह रहा है काम कर मुझसे मिल, इस पे पर्सनली मिल तेरी कि इसका जो मैटर है रजत दलाल का ये काफी दिनों से इग्नोर किया जा रहा है और स्पेसिफिकली ये रहता गुड़गांव में है और इसका थोड़ा बहुत किसी पुलिस में कहीं पे थोड़ा बहुत टच है जिसकी वजह से हर बात बच जाता है, ठीक है। और ये हमेशा हरासमेंट करता है, ऐसे बुली करता है बच्चों को। सुनो सुनो, बेसिक ये रहेगा, गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट टू रजत दलाल इन योर पुलिस कस्टडी, ही हैज बुलीड 18 ईयर ओल्ड बॉय ओल्ड गाय फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद पुलिस को टैग करते हुए अहमदाबाद पुलिस इज टेकिंग दिस केस वेरी लाइटली, ऐसा करके कि जो अहमदाबाद पुलिस है वो इस केस को बहुत लाइटली ले रही है। रजत दलाल ने एक 18 साल के बच्चे को बुली किया है, उस पे प्रॉपर ध्यान आप दीजिए, ऐसा करके। बाकी केसेस में आप लोग रैंडम से ना रजत दलाल को लेकर क्या कहना चाहते हो, इस चीज पे आप लोग अपना क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।